हेलो फ्रेंड्स, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको बटरफ्लाई हेलो फ्रेंड्स ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है देखिए आज हम आपको ये बटरफ्लाई बनाना बता रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। देखिए अभी हम यहाँ से हम इतना धागा छोड़ के एक मैजिक गांठ लगाएंगे। यहाँ से हम देखिए बहुत इजी है, बड़े आराम से कोई भी बना सकता है। देखिए यहाँ पे हमें हम यहाँ से 7 चेन, देखिए पहले हमने थोड़ी छोटी बनाई फिर उससे बड़ी बनाई, अब हम थोड़ी इससे बड़ी बनाएंगे। अब देखिए हम 7 चेन डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको जितनी बड़ी बनानी है आप उतनी चेन ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बार देकर आप इसको यहाँ से निकालिए, यहाँ से पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो हमारी लूज है निकलता जाएगा, नहीं तो ये देखिए यहाँ से हम 5 बार दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 5 बल दिए थे, यहाँ हमने 7 चेन डाली। अब फिर हम 5 देंगे, 2, 3, 4, 5 और फिर हम यहाँ पर वापस ये देखिए यहाँ से थोड़ी लूज हो जाता है, यहाँ से फिर हम वापस इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो बल नहीं देना है, बल हमने पहले ही दे, सॉरी 5 बार बल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हमको ज़्यादा बल अभी नहीं देना है क्योंकि हमने जितने बल देने तो पहले दे लिए हैं, इसलिए भी हम यहाँ से खाली स्लिप स्टिच जैसे ही बना देंगे। 1, 2 सबको सिंगल सिंगल बार बनाना है, ये देखिए ये हमको से बनाना है, ये हमारा 2 बार हो गया है। अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको अभी हम 6 बल दिए, पहले 2 बार 5 दिए अभी हमने 6 बल दिए। अब हम इसको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 7 ये हमारा हो गया। अब हम ये देखिए ऐसे हमारी अब हम वापस पहले 6 दिए थे, 5 देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 बल देंगे। अब वापस इनको वैसे की वैसे ही बनाएंगे, ये हमारा धागा मल्टी कलर का है इसलिए देखिए बड़ी सुंदर लगी, सिंगल कलर में भी बहुत सुंदर लगती है, आप चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। अब हम वापस यहाँ हमने 7 चेन डाली थी, 7 चेन डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हम यहाँ इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ हम इसको स्लिप स्टिच से टाइट करके ज्वाइंट कर लेंगे, इसे वाले। अब हम वापस ये देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, अब हम वापस 7 चेन डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब हम यहाँ 6 बार इसको बल देंगे,
चार पाँच छः, छः बार हम इसको बल देंगे। अब वापस हम उसी तरह से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः हमने बल दिए थे, सात में हमारी ये वाली चेन हो जाती है। देखिए अब बीच बीच में इसको टाइट करते रहे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर हमने वापस छः चेन डाली, एक दो तीन चार सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए अब हम वापस से फिर छः डालेंगे, चार पाँच छः, एक दो तीन यहाँ पे हमने एक दो तीन चार डाले, यहाँ भी हम चार बार ही डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस बार भी छः ही लेंगे, एक पाँच छः सात। अब हम इसमें सात चेन डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और हम इसको यहाँ इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, हमारा ठीक है। अब हम सेकंड दूसरी ये देखिए, ये हमने हमारी दो साइड बन गई है। देखिए यहाँ पे हम सात की जगह आठ चेन डालेंगे, क्योंकि आगे का ऊपर का हिस्सा बटरफ्लाई का बड़ा होता है। अब हम फिर वापस आठ चेन डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और फिर हम छः बार बल देंगे, तीन चार पाँच छः। अब हम यहाँ वापस इसको वैसे कि वैसे जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, एक हमको एक साथ में नहीं, एक 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 करके निकालना है। देखिए एक एक करके निकालना है, एक साथ में सबको नहीं निकालना है। और फिर हम छः देंगे, दो तीन चार पाँच, हम अब हम पाँच बल देंगे,
1 2 3 4 5 6 देखिए इस तरह हमारा ऐसे बनता जाए। फिर 5 देंगे, 2 3 4 और 1 5। देखिए 3 बार हुआ, ये हमारा 2 बार हो गया है, हमको 4 बार करना है क्योंकि दोनों साइड एक जैसे होने चाहिए। अब हम इसको 5 बल देंगे, पहले 6 दिए, अब हम 5 बल देंगे, 2 3 4 5। हमारी ये 4 हो गए। अब हम चेन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए छोटा लग रहा है तो हम एक चेन और डालेंगे, 8 चेन डाली और यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारा बटरफ्लाई का सेकंड पार्ट बन गया है। अब हमने ये यहाँ देखिए 7 चेन डाली थी, ये देखिए 1 2 3 4 6 चेन डाली थी, यहाँ भी हम 6 चेन ही डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ 5 बार बल देंगे, फिर से 5 बार बल देंगे, ये हमारा मल्टी कलर का धागा है, आप कोई भी धागे से बना सकते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम 4 डालेंगे, लास्ट पहले हमने 5 बार डाला, अब हम 4 बार डालेंगे। देखिए अब हम यहाँ 6 चेन डालेंगे, 2 3 4 5 6, ये 6 चेन डाली और यहाँ पे भी हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, ये हमने इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन कर दिया। अब हम धागा यहाँ खींचेंगे, ये वाला जो धागा है हमारा जो हमने गांठ के साथ किया था, अब इसको हम टाइट से खींच देंगे। देखिए इसको भी हम एकदम टाइट से खींच देंगे क्योंकि धागा बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं, यहाँ से हम इसको टाइट खींचेंगे और यहाँ से ये हम अपना धागा यहाँ से हम धागे को काट देंगे। अच्छे से टाइट से हम खींच देंगे इसको और यहाँ पर हम इसको ये देखिए यहाँ पे गांठ लगा देंगे। यहाँ हम डबल गांठ लगा देंगे, यहाँ
हमारा मजबूत हो गया है, अब हमको फिश की ऊपर का हिस्सा एंटीना बनाना है। एक को हम ऐसे ऊपर निकाल लेंगे, एक को हम ऐसे ऊपर से ले लेंगे, और एक जो है ये हमारा, ये जो है हमारा नीचे से, ये हमारा नीचे से आएगा। यहाँ से हम अभी इसको भी यहाँ पे हम अभी इसको एकदम सेंटर में इसको गांठ लगा देंगे, इसको यहाँ गांठ लगा देंगे। यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे और यहाँ भी अच्छे से इसको गांठ लगा देंगे। यहाँ भी दो तीन गांठ हम लगा के इसको यहाँ मजबूत गांठ लगा के इसको पक्का कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको एक जैसा रख कर इसको यहाँ से काट देंगे। ये हमारी सुंदर सी बटरफ्लाई तैयार हो गई है। ये हमारी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, हमारी बटरफ्लाई तीनों तैयार हो गई हैं। आप इसको दीवार पर लगा के सजाइए, देखिए कितनी सुंदर लगती हैं। देखिए इसे आप इससे बड़ी चाहें तो बड़ी भी बना सकती हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलती रहे। देखिए हमारी बटरफ्लाई तैयार हो गई है, लेकिन सोचा चलो इसको थोड़ा सा डेकोरेशन ही कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर यहाँ थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और यहाँ इसको मोती लगा देंगे। देखिए हम यहाँ इसको मोती से चिपका देंगे। ऐसे ही हम तीनों को में क्या है, मेरी एज है 70, मुझे नीचे से थोड़ा दिखाई थोड़ा पड़ता है, इसके लिए मैं हाथ में लगा के लगा रही हूँ। आप चाहें तो नीचे रख के भी लगाइए। ये देखिए अब हमने यहाँ मोती भी लगा दिए हैं। देखिए हमारी अब बटरफ्लाई तैयार हो गई है, बड़ी छोटी और उससे छोटी। आप चाहें तो इससे भी बड़ी बना सकते हैं।